सावणेज से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कान्हदास बापू रामदेव पीर मंदिर का, उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। और अभी जो उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है ब्लड डोनेशन कैंप की, सही में बहुत अच्छी शुरुआत की है। और लोगों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जग जुड़े और अपने एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप रखे ताकि ये मुश्किल समय में हम अच्छा समय समय को अच्छा बना सके। और रामदेव पीर मंदिर में कान्हदास बापू के द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चलती रहती है, हर महीने में कुछ ना कुछ चलता रहता करता है। ये समय जो ये कोरोना के समय में भी उन्होंने जो लोगों को खाना खिलाना खिलाने का जो प्रोग्राम बनाया था वेरी सक्सेसफुल, तो मैं उनका खूब आभारी हूँ। तो उनसे भी मुझे ये देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसे एक्टिविटी में जुड़ते रहूँ और काम करता रहूँ। आप भी इससे एक्टिविटी करते रहते हैं, हाँ, क्या लगा आपको, क्या देखा ऐसा? हमने कान्हदास बापू से इतना ही प्रेरणा ली हुई है कि रुको मत, हारो मत, थको मत, ईश्वर आपके साथ है और आप कभी कहीं पर भी हार के बैठ मत जाओ। और आज हमने अपने वो चीज़ का अनुभव भी किया हुआ है। हम भी वृद्धाश्रम चलाते हैं, मनबुद्धि बालकों का स्कूल चलाते हैं और गौशाला भी चलाते हैं। तो उसमें हमें जो उनके प्रेरणा है वो प्रेरणा से हमें ध्यान आता है कि हम कहीं पर भी रुके हुए नहीं और थके हुए नहीं है। मैं खूब उनका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा है, ब्लड कैंप लिया है। हमारा रामा मंदिर बहुत ही पुराना है, इसमें जयेश भाई बहुत सहयोग देते हैं हम लोगों को और बहुत ही अच्छा। हमारे हिरानीवाड़ी में पूरा कई साल से मंदिर है और बड़ा अच्छा कैंप लिया है, हमारी सहयोग है, हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। कोरोना काल में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, होना चाहिए क्योंकि ब्लड की बहुत कमती है अपने गवर्नमेंट के पास। मैं भी एक कैंप लेने वाली हूँ जयेश भाई सहयोग से, मैं भी एक कैंप लेने वाली हूँ। करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, जितना ज़्यादा करना चाहिए पब्लिक को। નમસ્કાર, હું ધવલ મોદી, અહીંયા આપણા 30 નંબર વોર્ડનો યુવા અધ્યક્ષ છું અને અહીંયા હું મંદિરે ઘણીવાર આવતો રહેતો હોઉં છું અને હેમરાજભાઈ ને મહેશભાઈ ને બધા જેટલા લોકો અહીંયાના છે બધા ખૂબ ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે। આગળ જતાં પણ એ લોકોના સારા સારા પ્રોજેક્ટ્સ આવી રહ્યા છે, આ મંદિરને ભવ્ય રીતે એ લોકો એક આકાર દેવા માંગે છે, તો એની માટે મારો સાથ સરકાર જે પણ જોતો હોય હું આપતો રહીશ અને આગળ પણ જતાં જે પણ મદદ જોતી હોય એની માટે મને ગમે ત્યારે તમે કહી શકશો। અને બાપુને પણ આ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ મંદિરને બહુ સરસ રીતે સાચવી રહ્યા છે અને બસ ઉપરવાળો કરાવે છે, આપણે કરવાનું છે સાથે મળીને આ કાર્ય। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બોલો રામા પીર રે વકી પરબના પીર રે સદગુરુ ભગવાનની પરમ પૂજ્ય કાનદાસ બાપાની જય। ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। બહુ સરસ, ધન્યવાદ। કેમ ના પાંચ મિનિટ બસ, હા વિનોદભાઈ, હા ओके सर, हो गया? यस सर, थैंक यू सर। अब आठ लगा लो खाली सर, आने जाओ, चलो बोलने चाहिए बस। आयोजन है, रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे उनकी प्रथा है 3 महीने के बाद एक बार हमें रक्तदान देके दूसरे की जिंदगी के लिए कुछ महामूल्य दान करना बहुत आवश्यक है। कोरोना काल भी चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में और जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी अगर इस तरह से आश्रम में बापू ने जो आयोजन किया है बहुत ही बढ़िया, हमारे अगल बगल वाले और जो भी भक्त लोग हैं बहुत ही सुकून से आके खुशी से अपने प्रेम भाव से अपना अपना खुद रक्तदान दे के यहाँ सभी के लिए एक प्रेरणादायक
एक उदाहरण दे रहे कि हमेशा जीवन में कभी ना कभी किसी के लिए भी अपने को रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग डरते हैं रक्तदान करने के, उनको क्या सलाह देंगे? नहीं नहीं, रक्तदान एक महादान है, कभी भी नहीं डरना चाहिए। कभी हमें भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जब हम किसी को बांटेंगे तब हमारे लिए भी कोई बांटेगा ना, इसीलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर की सलाह मुजब अपने को सही तरह से इसका आयोजन करके सही तरह से हमें रक्तदान करना आवश्यक है। ओके, कौन कौन आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट का कैंप लगा है और आज मैं इतना प्राउड कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, मेरी बहू है उसे भी फर्स्ट टाइम डोनेट किया है और मैं अभी तक करीबन 60-65 ऑर्डर ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और रेगुलर मैं ब्लड डोनेट करता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मंदिर के अंदर ब्लड डोनेट का कैंप लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, ब्लड का सबको बहुत ज़रूरत भी है और हम लोग ऐसे आगे आके ब्लड डोनेट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी ये फायदा होने वाला है, काम में आने वाला है, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ। कई लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए? नहीं, ऐसा डरना नहीं चाहिए। अभी आज मैं अपनी वाइफ को और मेरी बहू को लेके आया, मैं उनको बहुत समझाया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इन लोगों को थोड़ा वक्त लगा लेकिन उन लोगों ने ब्लड डोनेट किया, फील बहुत अच्छा कर रहे, उनके मुँह पे भी चेहरे पे स्माइल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ये तारीख, आज की तारीख में जो यहाँ रावापीर मंदिर में कांदीवली में ब्लड डोनेशन किया हुआ है वो उसके जो उम्दा कार्य किए इस हिसाब से हम लोग आज ब्लड डोनेट करने आए हैं और हमारा जितना भी मेंबर ओमकार भजन मंडल, हरिदास मंडल, ओमकार भजन मंडल और बाबा सीताराम भजन मंडल और ये कांदीवली रामापीर मंदिर के वास्ते जो यहाँ प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम में हम लोग सहाय करने के लिए आए हैं और ये ब्लड डोनेट करके हम अनेक लोगों का स्वास्थ्य के लिए भी अनुदान करते हैं और जितने लोग हैं उसको भी अपील करते हैं कि ब्लड डोनेशन अवश्य करता रहे और सबको अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ रहे। जय भजन नहीं है, भजन मंडल है। सेल चंग चम विचाल जटा जूग चंद्र बाल गंग की तरंग माल बिमल नीर राजे ए चंदन की लाल लाल ब्रक्टीवर नेत्र लाल त्रिभुव की तंग लाल ब्रक्टीवर साजे ए दादी लांग दिन किट दिलांग नादे मधुर सितार सरस्वती संग चाजे ए डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुदान शंकर महाराज आज तांडव नाचे बोले महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज आज तांडव नाचे। बारी पाऊ बारी पहला ले लो तो मैं विदु आज मैंने रामापीर मंदिर में ब्लड डोनेशन किया है। ये रामापीर मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पे महीने में एक बार रामापीर रामदेव पीर का महाप्रसाद दिया जाता है, वो अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का भी महादेव का मंदिर है, वो भी अच्छा लगता है। ब्लड डोनेशन थी शू फायदा? ब्लड डोनेशन थी क्यारे पण कोई बीमार हो या कोई ने ब्लड डोनेशन नी जरूरत हो त्यारे तरत मिली जाए छे। तेरे मन में सिवा मेरे मन में सिवा प्राणों में सिवा सांसों में सिवा आज मन में सिवा आज गुंजा है सिवा हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। वेलकम वेलकम बोला ना योगेश भाई आ रहे बैठ कमरे मालिक से और है ना।
आज ये बाबा रामदेव के मंदिर में आके मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत मतलब सौभाग्य हूँ कि इतने बड़े जो एक कार्य है ब्लड डोनेशन कैंप उसका एक हिस्सा हूँ और मैं लगातार हर सोशल वर्क में ब्राइट जुड़ा हुआ है। और आज मेरे को पूना भी जाने का था, एक दोस्त की शादी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी आने लगे थे, तो मैं अपने ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मैंने आज थोड़ा पोस्टपोन रखा है लोनावला सब जाने का। और हर एक जो काम समाज के लिए रहेगा, जो काम पब्लिक के लिए रहेगा, जो भी सोशल रहेगा, उसमें ब्राइट ऑलवेज दिल से जुड़ा हुआ है और इस तरह के काम करते रहे और अगले टाइम जो भी करेंगे उसमें जो भी होगा मेरा योगदान में बेस्ट देगा। अंदर तो आम हूँ गुरु लागो तमें चेला लागो बाबू हमें भाई हाँ कार्यक्रम के बारे में जो सबसे पहले तो मैं मंदिर के महात्मा जी और यहाँ के कार्यकर्ता जिसमें योगदान हम भी यहाँ पे सेवा करते हैं, हमारे श्री भास्कर भाई है, कनु बाबू है, भरत भाई है, जयेश भाई है, सभी के सभी सेवकगण को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ये जो आयोजन किया गया है ब्लड डोनेशन कैंप का, वो आज की तारीख में अभी ये जो पीरियड चल रहा है वो पीरियड को देखते हुए ये बहुत ही उत्तम कार्य है, उत्तम सेवा है। और आने वाले भविष्य में हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि इतना न हो, लेकिन जो समय काल जो हम देख रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी को, सभी हमारे मित्रगण को, सभी हमारे सेवक को, सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए और किसी न किसी की लाइफ, यहाँ से पता नहीं हमारा ब्लड कहाँ किस वक्त किसको काम आ जाए, बस हम तो वही सेवा के अभिलाषी हैं। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी लोग आए हैं, क्या कहेंगे? बस ये तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी गुरुद्वारा हो, या कोई भी धार्मिक जगह हो, तो वो जो दर्शनार्थी जो आते हैं उनमें एक भाव, एक दर्शन का और सेवा का रहता ही है। और ऊपर से ये ब्लड डोनेशन का कैंप है, जैसे जिसको बोलते हैं कि एक जो सुयोग बना है, जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, वैसा है, जो दर्शन करने भी आता है और देखते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लड डोनेशन का हो रहा है, तो वो भी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। संडे का दिन है तो काफ़ी दर्शनार्थी आए हैं और अभी हम लोग ने टाइम रखा था कि 9 बजे से लेके 1 बजे तक, लेकिन इतने दाता, इतने सेवक आ गए हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो हमें लगता है कि शायद ये टाइम और एक्सटेंड होगा और काफ़ी सेवकों के आने की संभावना है। और हम तो चाहते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब लोग सेवा का लाभ लें। आपने भी डोनेट किया है जी, ऐसे लोग भी हैं जो डरते हैं डोनेट करने के बैठो का, उनको क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट जो भी है, जो ये डॉक्टर्स की जो प्रक्रिया है कि किसी को शुगर है या फिर हाई बीपी, लो बीपी है, तो वो डॉक्टर्स अपने अपने जो भी क्वेश्चन वो करते हैं उसको प्रॉपरली आंसर देना चाहिए, बाकी डरना नहीं चाहिए। या तो फिर एकदम से सेवा का भाव लेके, ऐसा भी नहीं कि मुझे करना ही चाहिए और अंदर से कुछ उनको तकलीफ हो, लेकिन जब हम डोनेशन, ये ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे सुई डालने से, ऐसे जैसे चीटी काट लियो, बस उतनी सी उसमें पेन है, बाकी कोई इतना पेनफुल है नहीं। विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में आप ये डोनेट कर सकते हो। थैंक यू सर।
थैंक यू। क्या कहेंगे आज ब्लड डोनेट के बारे में, कैंप के बारे में? ये एक बहुत ही अवसर ऐसा भगवान की दया से प्राप्त हुआ है हम मंदिर वालों को, और हमने सभी लोग को ये कह के रखा था सूचना कि भाई ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है तो आप लोग कोई आने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि अरे महाराज ये हमेशा करते रहो, 3 महीने साल में 2 बार तो जरूर आप कैंप लगाओ। रक्तदान एक महाजीवन दान है। तो ये बात आज मेरी आँखों से देखा कि लोगों को इतनी उम्मीद है और इतनी आँखों में इतनी आशा है और नव जीवन देने के लिए सब लोगों की इतनी अंदर से इच्छा हो रही है, देखकर के मुझे लगा कि नहीं सचमुच ये साल में 2 बार होना। ये हमारा ये पहला कैंप है मंदिर में और आगे भी हम बापू की आज्ञा से आगे भी हम ऐसा सोच ही रहे कि आगे भी ऐसा कोई सेवा का कार्य अगर है तो हम करते रहेंगे। मेडिकल कैंप हो या कोई भी मेडिकल कैंप हो या फिर कोई भी ऐसी सेवा का जो लाभ आम जनता उठा सकती है ऐसा हम आयोजन करना चाहते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। ये मंदिर में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत और डोनर भी जिस तरह से आ रहे हैं तो ब्लड सब रिजेक्शन बहुत कम हुआ है और ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डोनेट किया है। तो ये बहुत यहाँ पे आने के बाद एकदम आपके मन एकदम शांत जैसा हो गया है। तो बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनफेक्ट आज ऐसा लग रहा है जैसे घर में खाना खाया हुआ ऐसा लग रहा है। खाना भी बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो लोग हमारी केयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ड्राइव हो रहा है। मतलब जो भी आ रहे हैं रिजेक्शन कम है और ब्लड डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, एक 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 करके आ रहे हैं, ज़्यादा लोड भी नहीं हो रहा है और ब्लड डोनेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यानी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद और ब्लड डोनेशन कैंप भी बहुत अच्छे से हो रहा है। क्या सलाह देंगे इनको? यही है कि ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप करते रहिए और हमको बुलाते रहिए, यही है। क्योंकि मैं खुद गुजरात मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। क्योंकि कोरोना में ऑलरेडी लोगों को ब्लड लग रहा है लेकिन ब्लड के पास बहुत शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज कम हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, बस यही हमारी इच्छा है। थोड़ा कोरोना से डर निकाल के उनको आके ब्लड डोनेट करना है ताकि हम वही ब्लड जिस मरीज को लगना है उनको दे सके ताकि उनकी जान बच सके। मैं वही कहना चाहूँगा कि ब्लड देने से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड देने के बाद आप 24 घंटे के अंदर ही आपका ब्लड बन जाएगा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। उल्टे का फ्रेश नया ब्लड बनेगा और आप हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारी पूरी टीम रहती है जो आपका केयर करती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं।